एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन दरवाजा तो बाबा मेन गेट पे तो महाराज गोपियां पहरेदारी कर रही थी, कह सकते ना चेकिंग कर रही थी कि भीतर को जाए रहो को नहीं जाए रहो। तो मेन गेट पे चेकिंग लगी रही, तो गोपियां चेकिंग कर रही थी बड़ी इज्जत महाराज। अब पार्वती जैसे ही गई सो लड़कियों ने देखा, एक बोली बेना पार्वती आ रही, दूसरी बोली बेना आ रही तो आ रही लेकिन फिर अपने संग में इतनी लंबी बौरी इनकी लाए रही। हाँ अब बोली पास में आए तब पूछे, सो पार्वती पास में आई, सो पार्वती ने भीतर घुसने का प्रयास किया। और जब पार्वती ने भीतर घुसने का प्रयास किया लड़कियां बोली ले कर रुक जाओ तुम तो कुछ पूछो चाहत। तो पार्वती बोली पूछो क्या पूछो चाहती। लड़कियां कहने लगी जब बताओ क्या तुम तो कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो और तुम्हारी एक लड़कन को ब्याह नहीं भाओ। जब बहू किनकी ले आई, जब बहू किनकी है, अब भोले बाबा महाराज दूर खड़े हो गए, भोले बाबा नहीं बोल रहे काल से, हाँ लंबो घूंघट मारे हाथों से घूंघट पकड़े महाराज नई बहुरिया बन के चले। अब भोले बाबा दूर खड़े, लड़कियों ने पूछा जब बहू किनकी ले आई, पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता, बोले हम कहा जो ने किनकी ले आई। पार्वती बोली जब बहू और काउ की थोड़ी अच्छा बहू मेरे ही लला गणेश की तो है। हमारा जो उत्ते बचन गए तो पार्वती बोली जानना चाहती हो ना तो सुनो मेरी बात क्या जा है गणपति की बहुरिया और माना तो सकी
रघुवीर सिंह ये नंगला एमएस से आए हुए 51 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये धोनी यादव, धोनी तो बोल रहे हैं, धोनी यादव नगला सबल 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुना देंगे भैया जो भेजा है सुना देंगे, तो ध्यान रखना परिचय महाराज। इधर हुआ ऐसा कि लड़कियों ने पूछा पार्वती जब बताओ बहू किनकी है, पार्वती बोली जब बहू मेरे लला गणेश की है और काहू थोड़ी ना है। तो लड़कियां बोली अपने लला को तुमने ब्याह कब करो, अब चुप्पे चुप्पे ब्याह कर लो तुमने हमें नहीं बुला। पार्वती बोली तुम नहीं जाना जब लॉकडाउन लगो तो तब ब्याह करो, जब कोई नहीं जाता तो अकेले अकेले ब्याह हो जाते। तो अब लड़कियों ने पार्वती से कहा सुनो तुमने अपने लला की शादी कर ली तुमने हमें नहीं बुलाओ कोई बात नहीं, अब मेरी एक बात सुनो। पार्वती बोली सुना। तो लड़कियां बोली अब तुम और तुम्हारी बहू हिंद तक आए तो गए ही हो तो निक अपनी बहू को निक मुंह तो दिखाई दे है, अपनी बहू को निक मुंह दिखाई दे। तो महाराज अब लड़कियां कहा जाने के जब लला की बहू है या फिर पार्वती के ही खसम जब छुपे बैठे अब बेटा जो रे। अब महाराज लड़कियों ने पार्वती से कहा अपनी बहू को निक मुंह दिखाई दे। अब बोले बाबा पर ये चक्कर में बोले बाबा सोचन लगे अब अगर ऐसो भाव के अगर मेरो नेको मो खलियो और नेको अगर घूंघट जो उठियो तो फिर सब पोल पट्टी खुल जाइए और ही पे पार्वती की बेइज्जती हो जाइए। तो अब बोले बाबा ने अपनो घूंघट कसके पकड़ लो महाराज बहुत कसके, बोले बाबा घूंघट नहीं खोलो अगर ना ले रहे। अब पार्वती से जब लड़कियों ने कहा कि अपनी बहू को मुंह दिखाई दे तो पार्वती बोली अच्छा तुम फ्री के चक्कर में हो क्या हम तुम्हें अपनी बहू को मुंह दिखाई दे तो तुम पे नेक ना लगे, सुनो चुपचाप आइयो नेक लेके आइयो कैलाश पर्वत पे बहू को मुंह दिखियो नेक दियो कम देखियो जाएंगे, लेकिन जब जाओगे इन पे मुंह दिखाई दे इन पे अपनी बहू को मुंह ना दिखाई। तुम्हारा लड़कियां समझ गई इन तो दाल गलने वाली नहीं। तो आज पार्वती ने भोले बाबा को झटका दो चले आप पीछे पीछे तुम्हें बड़ी शौक आती महाराज देख लेगी। तो बेचारे चलने लगे भोले बाबा पीछे पीछे चलते चलते वही पीछे जो महाराज चल रहा था। अब भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, पार्वती तो घूंघट खोले रहे सुबह तो महाराज देखने लगी। बोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे सो बेचारे महाराज नहीं देख पाए रहे, तो फिर घूंघट लंबो हुआ तो ही सुनने को घूंघट जो चुका था। पार्वती कह देती नीचे करे ना तो मेरी बेइज्जती कराई दी, सो बेचारे तो किया फिर नीचे कर ले अब फिर घूंघट उठा तो पार्वती फिर झटका देती बेचारे फिर नीचे कर ले। तो अब महाराज ऐसे चलता रहा लेकिन भोले बाबा से नहीं रहा गया। अब भोले बाबा से जब नहीं रहा गया तो भोले बाबा ने कही जा रखी साड़ी जा रखी माया वो तो जा रहे हो। तो भोले बाबा को महाराज ने थोड़ी सी गुस्सा आई जो गुस्सा में आए के अरे चैन ना आयो नृत्य करने लगे। तब वहां पर भोले बाबा का एक नाम पड़ा।
खड़ा गोपेश्वर भगवान, बोले गोपेश्वर भगवान की, बोले भोलेनाथ की, बोले वृंदावन हरि लाल की, बोले बाबा नृत्य करने लगे। आज ऐसे महाराज महाराज होने लगा। प्रमाण ये मिला, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, महाराज लगातार 6 महीने तक चला। अरे जब वो महाराज 6 महीने तक चला तो चलने के बाद में सारे देवी देवताओं ने बड़े आनंद से महाराज महाराज का आनंद लिया। 6 महीने के बाद में जब महाराज पूरा हुआ तो आज इधर भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम अपने अपने घर जा सकती हो। जब महाराज पूरा हुआ तो गोपियां अपने घर आई, भगवान भी वृंदावन में आए, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। और इस बीच में 101 रुपए लालू यादव नगला राम सिंह से भैया जी की फरमाइश है,